दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोले जाने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के आदेश को पलटा तो अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सवाल खड़ा कर दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कल एलजी साहब ने फैसले को पलट दिया। हालांकि एलजी को कोई आइडिया नहीं था कि कितने लोग बाहर से इलाज के लिए आएंगे। कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी, वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली की हालात ठीक नहीं होने वाले हैं। 30 जून तक 1,00,000 केस होंगे और हमें 15,000 बेड की जरूरत होगी, जबकि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस होंगे। हाँ, 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1,00,000 केसेस पहुँच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल हुए और उन्होंने भी बताया 31 जुलाई तक सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। एलजी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई प्लान नहीं किया है। मुख्य मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा, जब सबके लिए खोला है। नहीं, प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। दिल्ली सरकार दिन रात लगी हुई है, नए नए बेड्स बना रही है, परंतु अब इसमें बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी मरीजों का इलाज नहीं करने का आदेश दिया था। इसका मतलब था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। केजरीवाल सरकार के इस आदेश को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया था, जिसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है।